हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही हेल्पफुल। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके पास क्लेंजिंग बाम नहीं है या फिर अच्छा मेकअप रिमूवर नहीं है, सो आप घर पे जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनसे किस तरह से आप अपना मेकअप क्लेंजिंग बाम बना सकते हैं, खुद का पर्सनल और होम मेड। सो यही आज का मेरा प्रोजेक्ट, हाउ टू मेकअप क्लेंजिंग बाम एट होम। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइज, मेकअप क्लेंजिंग बाम बनाने के लिए आपको सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत है। वो है एक आपका नॉर्मल वैसलीन पेट्रोलियम जेली, एक है आपका विटामिन ई के कैप्सूल्स जो कि बहुत इजीली किसी भी केमिस्ट से मिल जाते हैं, और एक है आमंड ऑयल। सो इन तीन चीज़ों के साथ हम बनाएंगे अपना खुद का क्लेंजिंग बाम, क्योंकि आजकल मेकअप रिमूवर्स में इतनी वैरायटी आ गई है, इतना रेंज आ चुका है। और सारे प्रोडक्ट्स अगर आप देखो ना, तो मतलब हमें ये नहीं पता होता कि यार इनमें कोई केमिकल तो नहीं है, या फिर ये मतलब किस तरह के प्रोडक्ट हैं, हमारी स्किन को सूट करेंगे या नहीं करेंगे, या मतलब और या फिर ये होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन कि या तो उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो मैं पर्सनली अपना एक क्लेंजिंग बाम बना के रखती हूँ अपने साथ में, जो कि मेरा खुद का होममेड है इन्हीं तीन चीज़ों के साथ। सो क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मैं जो भी वीडियोस वगैरह बनाती हूँ उसमें मोस्टली लिक्विड मैट लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ, और फिर उसको रिमूव करने के लिए जो मेकअप वाइप्स हैं वो मेरे किसी काम नहीं आती, या फिर जो मेकअप रिमूवर है जैसे गार्नियर का माइसलर है या फिर हिप हॉप की वाइप्स हैं। सो ये चीज़ों से ना वो प्रॉपर जो मैट लिपस्टिक होती है वो प्रॉपरली नहीं उतरती, तो कोई ना कोई बाम यूज़ करना पड़ता है, या तो फिर आप ऑयल इन्फ्यूज़ मेकअप रिमूवर यूज़ कीजिए। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो घर में ये तीन चीज़ें अवेलेबल होती ही हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपके पास आमंड ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको वैसलीन, आपको पता है इसके कितने अच्छे बेनिफिट्स हैं, और विटामिन ई, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी क्रैक्स वगैरह हमारे लिप्स में होते हैं या फिर जो भी ड्राइनेस आ जाती है मैट लिपस्टिक्स लगाने के बाद, उनको ये क्योर करता है। सो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। सो गाइज, इन तीन इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे अपना खुद का मेकअप क्लेंजिंग बाम। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक जो आपका पेट्रोलियम जेली मैंने आपको बताई, इसमें से आपको थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली लेना है। आप अपने अकॉर्डिंगली क्वांटिटी बना सकते हैं, अगर आपको इकट्ठा बना के रखना है तो कोई ये चीज़ें ख़राब तो होती नहीं है। सो आप चाहें तो इसको इकट्ठा भी बना के रख सकते हैं। मैंने जितना पेट्रोलियम जेली लिया है ना उतना ही मैं लूँगी आमंड ऑयल। और जो मेरे विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं मैं इसमें चार कैप्सूल्स डाल दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा भी कैप्सूल आप डालना चाहें, जैसे छः डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, क्योंकि कोई ये ख़राब नहीं होते, ना ही ये कोई डैमेज करते हैं स्किन को। मेरे पास चार कैप्सूल्स हैं, मैं चारों डाल दूँगी। और अगर आपको लगे कि आपको क्वांटिटी अपनी इंक्रीज़ करनी है तो हमेशा आप विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल के ही अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ कीजिएगा, ऑयल को कम ही डालिएगा, क्योंकि ऑयल ज़्यादा डालने से क्या होता है कि सारा ऑयल का ही फिर उसमें फ्रेग्रेंस आता है। तो मैं ये चारों कैप्सूल इसी में डाल दूँगी। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ इसके अंदर। ना हमें इसको गर्म करना है, ना हमें इसको कुछ वो करना है, सिर्फ हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारा जितना भी ऑयल है और जितने भी इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारे अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर। आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी जो फेस सीरम होता है उसको भी डाल सकते हैं, उससे क्या होता है कि जो इसकी फ्रेग्रेंस होती है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। जैसे गुड वाइब्स का रोज़ सीरम है, आप वो डाल सकते हैं कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर, तो आपको वो रोज़ की इसमें फ्रेग्रेंस आएगी। ये देखिए, अच्छी तरह से ये सारा आपका मिक्स हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से स्मूथ टेक्सचर हो गया इसका। ये देखिए, जो थिकनेस थी वैसलीन की वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, और जो ऑयल्स थे दोनों वो अच्छी तरह से इसमें एक्टिवेट हो गए हैं, और ये बहुत स्मूथ टेक्सचर बन गया बाम का। सो आपका ये क्लेंजिंग बाम रेडी है। आप चाहें तो पूरी डिब्बी भर के बना के रख सकते हैं, कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका लाइव डेमो। अब आप ये देख सकते हैं कि ये लिपस्टिक इतना ईजिली नहीं उतरेगी, ये देखिए, क्योंकि ये लिक्विड मैट लिपस्टिक्स है और इनको उतारने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का कोई बाम चाहिए होता है, क्लेंजिंग बाम। अब जो ये बाम मैंने आपके सामने बनाया है होममेड बाम, इसको क्वांटिटी में लेके अपने लिप्स पे लगाऊंगी। आपको इसको अच्छे से मसाज करना है। अभी ले लिया मैंने टिश्यू, ये देखिए कितने अच्छे से इसने पूरा मेरा लिप्स जो हैं वो क्लियर कर दिया है। मुझे किसी भी अब मेकअप रिमूवर की ज़रूरत नहीं है। तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स आपके लिए स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स हैं। वैसलीन आपको पता ही है, हम लोग चैप जब चीज़ें हो जाती हैं चैप स्किन के लिए बहुत यूज़फुल है। विटामिन ई नरिशमेंट देता है, ग्लो देता है स्किन में, और उसको अच्छे से हाइड्रेट मॉइस्चराइज करता है। और जो ऑयल है लाइक कोकोनट ऑयल है या फिर जो आपका आमंड ऑयल है, ये स्किन में बहुत अच्छे से मॉइस्चर करते हैं, स्किन को नरिश करते हैं। जितनी भी आपकी चैप्ड हो जाती हैं लिप्स या ड्राइनेस आ जाती है उसको वो कवर कर देते हैं ड्राइनेस को, तो आपके लिप्स में पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ऑयल्स
विटामिन ई और आमंड ऑयल जो होते हैं ये पिगमेंटेशन को भी रिमूव करते हैं। सो ये था मेरा होममेड क्लेंजिंग बाम। मुझे वीडियो देख के बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। ये मैं खुद के ऊपर आपके सामने मैंने इसको लगा के आपको दिखाया इसका डेमो। सो होप कि आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।